मैं कुछ कते पढ़ता हूँ, कुछ मुक्तक पढ़ता हूँ, आप तक पहुंच जाए बात तो मुझे बताना जी रख साहब। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, हमारे आवा आनी चाहिए आपकी वहां से। मैं थोड़ा सा अपना रंग बदलता हूं कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए, दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। और पिता की उम्र के लोग बैठे हैं, आपको आपके पिता की यादों तक ले चलता हूं, चार पंक्तियां आप तक पहुंचे। इस्तकबाल, इस्तकबाल। समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, क्या कहना, क्या कहना डॉक्टर साहब, वाह। और आगे की दो पंक्तियां अगर अच्छी और सच्ची लगे तो सबकी हाथ उठाकर दुआएं भी चाहता हूँ। समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया, क्या कहना, मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू, वाह 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 वाह, जहाजों से भी उड़कर, वाह वाह वाह, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। वाह वाह, हिंदुस्तान कहाँ है, कहीं गीता महकती है कहीं कुरान जिंदा है। वाह, ये हम संस्कृति का देश है, हाँ से हिंदू माँ से मुस्लिम, तब कहीं देश एक होता है। कि कहीं गीता महकती है कहीं कुरान जिंदा है, वाह, भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा, क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। चीथड़े जागे दादरी एक बार मेरे साथ, कि भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है, अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान, वाह 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 वाह, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। एक और बुराई हमारे घरों में आने लगी है, मैं इशारा करता हूं कि गरीबी बेबसी 200 रुपए में डाल लेती है, क्या कहना, मुसीबत कैसी भी हो खुद को ऐसा ढाल लेती है, बिठाता है गरीब इंसान सर पर बाप को माँ को, अमीरी प्यार करती है तो कुत्ते पाल ले, अमीरी प्यार वा, 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 है वा। तो कुत्ते, ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, सब धर्म अपना अपना पता बताते हैं। एक पता इस फकीर का भी सुनना, शायद आपको ठीक लगे। इरशाद, कि जिसे ख्वाबों में पाना हो, नदीम भाई इतनी मेहनत की आपने इस मुशायरे कवि सम्मेलन को विश्व लेवल पे पहुंचाने के लिए, मैं पूरे पांडाल से चाहता हूं कि इस बार इतना बड़ा काम जो हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं हुआ नहीं, उसके लिए इन सब लोगों के लिए एक बार तालियां बजाएं पूरा पांडाल एक बार। निश्चित तौर पर हम इस एक ऐतिहासिक क्षण में हैं। कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है, वाह, मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता, क्या कहना, क्या कहना, वाह, मेरा चेहरा। कुछ लोगों के हाथ बंधे हैं, थोड़ा सा दिल को तकलीफ होती है, शायरी की महफिल में आप बैठे हैं। कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है, मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है, वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है खो जाने से, वाह 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 वाह, खोजे से, वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, वो खोजे से नहीं, वाह 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 वाह। कुछ लोग दोबारा सुनना चाहते हैं जी, कि जिसे, कितने लोग सुनना चाहते हैं मुझे बताएं हाथ उठा के। कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है, वाह, मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है, वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है खो जाने से मिलता है, वाह वाह वाह, खोजे वा, से नहीं। कविता मिशन भी बन सकती है, प्रोफेशन के साथ साथ कविता मिशन कैसे बनती है, शायरी मिशन कैसे बनती है, मैं चार पंक्तियां पहुंचाता हूं आप तक पहुंचे। संजय भाई स्वागत, स्वागत। निवेदन है किसी इंसान का कल्याण कर देना, क्या कहना। फिर उसके बच्चे ने फिर से पूछा कि माँ हम लोग पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते,
फिश ने कहा बेटा हम लोग फिश है ना इसलिए पानी में रहते हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। तब कहना पड़ता है कि निवेदन है किसी इंसान का कल्याण कर देना, है जिसकी जिंदगी अभिशाप वो वरदान कर देना। अगर हसरत है अपने बाद भी संसार को देखो तो सांसें बंद हो जाने पे आंखें दान कर दो। वाह 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 वाह, सांसें बंद हो जाने पे आंखें दान कर देना। वाह वाह वाह। और हर सरकार कहती है कि भ्रूण हत्या मत करो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों का सम्मान करो, लेकिन कवि किस तरह बात कहता है। स्वागत स्वागत। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं और आखिरी पंक्ति पर दादरी का जन्म संग्रह देखना चाहता हूं कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। वाह। वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े पीन लेता है। वाह 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 वाह। कविता के नाम पर जो सबसे अच्छा मेरे पास है वो दो पंक्तियां मैं सौंपता हूं दादरी को। स्वागत है। वो अपने चाहने वालों के दुखड़े पीन लेता है, कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन। अरे वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दादरी, बहुत बहुत शुक्रिया।